अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह मेरी स्टार्ट हुई है फजर से। मैं फजर के नमाज़ अभी पढ़ के फ्री हुई थी, तो फिर मैं मौसम देख रही थी, बहुत मज़े का हो रहा था। उसके बाद मैं दोपहर हो गई थी। दोपहर में मुझे जो है कीमे का मसाला पीसना था, जो कि मैंने सिल पर पीसा था और उसके धोकर मैंने फिर साइड पर रख दिया था, क्योंकि एक हाथ से आजकल काम कर रही हूँ और एक हाथ से शूट कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरा जो है स्टैंड अब थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस वजह से ना मुझे एक ही हाथ से काम करना पड़ा है। और यहाँ मैंने मसाला पीस लिया था, साथ साथ जो है मैंने मसाले की तैयारी भी कर ली थी। इसमें कबाबों में जो डालना था, उसके अलावा मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट मैं थोड़ा लेट करती हूँ, बिकॉज मैं सारे काम वगैरह ख़त्म करके ही मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ, और ब्रेकफास्ट तकरीबन मेरा लंच के टाइम पर चले जाता है, तो समझ लेता मैं ब्रंच ही करती हूँ। रोज़ाना की सूरत हाल मेरी यही है कि मैं अपना काम वाम जब फ्री करके करती हूँ काम, तो फिर मुझे दोपहर ही हो जाती है। तो साथ साथ मैंने चाय रख दी है। गैस बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, बार बार आ रही जा रही है और बहुत परेशान कर रही है। तो आज तकरीबन ना बहुत मुश्किलों से ही मेरा जो है ये खाना हुआ है। उसके बाद मैंने जो है ना आज ऑमलेट खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने दो ऑमलेट बना लिए थे। दोनों मैंने नहीं खाए थे, बाकी बच्चे भी बैठकर खाते हैं ना, तो फिर उनको कम ना हो, तो इस वजह से मैंने दो ऑमलेट बना लिए थे। साथ में मैंने तवे पे जो है घी गर्म करने के लिए रख दिया था, और इतना स्लो स्लो चल रहा था बर्नर, इतना स्लो स्लो चल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और रोज़ाना दोपहर में यही हो रहा है अब कि 1 से 4 बजे तक या 5 बजे तक गैस होती ही नहीं है। तो कराची की तो इतनी ये बुरी सूरत हाल हो गई है कि गैस का इतना जाना, अदरवाइज़ ऐसे इलाकों में या ऐसी जगहों पे गैस नहीं जाती थी पहले, जो कमर्शियल एरियाज़ वगैरह होते थे वहाँ पर गैस, बिजली, पानी, इनका किसी चीज़ का ना कोई जाना नहीं होता था, कोई ऐसा दौरानिया नहीं होता था जो इसमें ये चीज़ें जाएँ। बट अब जो है ना रेगुलर बेसिस पे यही हो रहा है कि कभी गैस नहीं होती, कभी लाइट नहीं होती, और बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी तो होता है, बट कभी बीच में ऐसा भी हो जाता है कि पानी नहीं होता। और यहाँ पर ये बिल्ली मौसी हैं, ये रोज़ाना जो है ना आजकल घर में आ रही हैं, तो फिर मैं भी उनको जो होता है वो खाने के लिए डाल देती हूँ। तो तब मैं कबाब पीस रही थी ना, तब ये पीछे पीछे वहीं बैठी हुई थी साथ साथ ना, तो फिर मैंने इसको भी कबाब वगैरह डाल दिए थे जो बचे थे, थोड़ी बोटियाँ वगैरह। उसके बाद मेरा ये ऑमलेट तैयार हो गया था, तो मैंने उसको अच्छा से सेक लिया था दोनों तरफ से, और ये काफ़ी मज़े का बनकर तैयार हुआ था। साथ में फिर बच्चों के साथ मिलकर मैंने खट्टा खा लिया था। तो आज जो है कि गैस इतनी स्लो आ रही थी, तो काफ़ी देर में बना था ये भी, तो इससे पराठा भी जो है बाज़ार से मंगाना पड़ा, मैंने घर में नहीं बनाया, क्योंकि गैस का आपको मैं वही बता रही हूँ कि इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ना बाज़ार से ही आज पराठे वगैरह मंगवाए थे। वैसे तो बाज़ार के पराठे वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैदे की ना मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि यूरिक एसिड करने का सबसे बड़ा बाइस बनती है। तो इस वजह से बाज़ार के पराठे कोशिश क्या करें कि कम ही खाएँ। मैं तो रेगुलर बेसिस पर घर पर ही पराठा बनाती हूँ। हाँ कि मैं पराठा ज़रूर खाती हूँ, कि मुझे आजकल पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इस वजह से ना मैं पराठा ज़रूर खाती हूँ। तो इस वजह से आज भी बाज़ार से पराठा मंगा लेते, क्योंकि घर बना नहीं सकती थी। और यही हुआ था गैस का मसला, कि गैस जब तक चाय बनाने का टाइम आया तो गैस बिल्कुल जा चुकी थी। और ये रॉड का रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे है, मैं लगा दूँगी, पिन कमेंट में भी दे दूँगी, आई बटन पे भी लगा दूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये रॉड बड़ी ही काम की और बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप जो है क्या कहते हैं चाय लवर हैं, टी लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं ना, तो आप बआसानी इसको मंगवाएँ और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये बहुत कमाल की चीज़ है। चाय भी बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाती है जैसा आप जो है चूल्हे वगैरह बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर मसाला वगैरह भाभी ने ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे जॉब पर जाना था, मैं उसकी तैयारी कर रही थी, साथ साथ अपना नाश्ता वगैरह भी कर रही थी, तो मसाला वगैरह काट के उन्होंने रख दिया था इसके अंदर, अच्छे से मिक्स वगैरह कर लिया था। बाकी मैं और भी काम कर रही थी, क्योंकि मैं आप बता चुकी हूँ कि मैं एक हाथ से मोबाइल हैंडल कर रही हूँ, तो इस वजह से आजकल ब्लॉग बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। इंशाल्लाह आगे आपको ना और अच्छे अच्छे डिटेल्स में ब्लॉग मिलते जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा ये अपना इशू ठीक कर लूँ अपने इसका स्टिक का, तो फिर मैं इंशाल्लाह अच्छे से आपको ब्लॉग ज़रूर दूँगी। उसके बाद उसकी टिक्कियाँ वगैरह बना ली थी, और जब मैं जॉब के पे गई तो उन्होंने भी सेवैयाँ बनाई थी, मीठी सेवैयाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने मुझे वो भी खिलाई। रात को जब मैं घर आई तो फिर मैंने खाया था कबाब और थोड़ी सी शेरमाल रखी हुई थी, क्योंकि गैस की वजह से रोटी बन नहीं पा रही है और तंदूर की रोटी हम लोग इतने ज़्यादा जो है नहीं खाते हैं। उसके बाद रायता वगैरह भी भाभी ने बनाया था, तो वो भी खाया। और यहाँ गए थे हम स्पेशल जगह, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन्स उन सभी लोगों को जिनको ये इतना खूबसूरत सा तोहफा मिला है। तो यहाँ हम हॉस्पिटल आए थे बेबी को मिलने के लिए। बेबी इंशाल्लाह फेस में आगे आपको रिवील करूँगी और बताऊँगी कि बेबी या पापा है, जेंडर भी रिवील करूँगी, तो मेरी वीडियोस पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई बटन पर मैं पिछली प्रीवियस वीडियोस की भी जो है लगा दूंगी लिंक, जो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं। और बेबी जेंडर भी मैं इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में रिवील करूंगी,
और ये बेबी माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है। इसका फेस भी मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ही रिवील करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।